रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनहरी धूप की रोशनी और ताजी हवा के साथ सुबह का आगमन हो चुका था। अरुणिता फ्रेश होकर कमरे से बाहर आकर टेबल पर बैठते हुए अपनी माँ निम्मो से कहती है, माँ जल्दी से कुछ खाने को ले आओ, पेट में चूहों की सेना तांडव कर रही है। तांडव ला रही हूँ अरु, बस एक मिनट बेटा। इतना बोलते ही निम्मो हाथों में नाश्ते की थाली पकड़े हुए अरुणिता के पास आकर कहती है, ये ले गर्मा गर्म चाय पराठा आराम से खा ले। माँ आज आप ये चाय पराठा किस खुशी में लेकर आई हैं? वैसे आप जानती हैं ना मुझे चाय पीना जरा भी पसंद नहीं है, फिर भी आप चाय और साथ में ये भारी भरकम सा पराठा उठा लाई। मुझे ये नहीं खाना, आप मुझे फटाफट से वो दीजिए जो मैं रोज सुबह खुशी खुशी सबसे पहले खाती हूँ। ये पराठा मैं बाद में खाऊंगी। अरे तेरे ओरियो बिस्कुट तो बंटी खा गया, बहुत भूख लगी थी उसको, तू ये खा ले। तभी मैं सोचूं कि आज आप मुझे जबरन पराठे खाने क्यों को कह रही हैं? क्यों ए कुत्ते, तुझे मेरे ही ओरियो बिस्कुट मिले थे खाने के लिए। मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने खा लिया, आज के लिए आप पराठा खा लो। अच्छा बच्चू, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये पराठा तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, लेकिन तू मेरे हाथों से ना एक झन्नाटेदार चाटा जरूर खाएगा। अब चुपचाप जाकर मेरे लिए ओरियो बिस्किट लेकर आ, वरना तेरी शामत पक्की। हाँ हाँ जा रहा हूँ, एक ओरियो बिस्किट क्या खा लिया, तब से मेरी जान के पीछे पड़ी हुई हो। बंटी पैसे लेकर दुकान से ओरियो बिस्किट लेकर आता है, जिसके बाद अरुणिता कहती है, माँ जल्दी से दूध का ग्लास ले आओ। अरुणिता को ओरियो बिस्किट खाना जरूरत से ज्यादा ही पसंद था। निम्मो उसे दूध से भरा ग्लास लाकर दे देती है और अरुणिता पहला बिस्किट दूध में डिप करके खाते हुए बोलती है, वाह वाह लाजवाब, क्या मस्त स्वाद है, मजा आ गया। बस बस ज्यादा वाह वाही मत कर, तेरा ये ओरियो कोई मक्खन या मिश्री नहीं है जो लगातार इसकी शान में तारीफों के पुल बांधे जा रही है। लगा दी ना मेरे ओरियो को नजर, देखा वो बेचारा दूध के समंदर में जा गिरा। कोई बात नहीं, पीकर खाओ या खाकर पियो, जाना तो पेट के अंदर ही है। दूध में मिला ओरियो बिस्किट उसमें पूरी तरह घुल जाता है, जिसे पीते हुए अरुणिता बोलती है, अरे वाह ये तो शेक बन गया, वो भी ओरियो शेक। माँ गलती से ही सही, पर देखो आपकी बेटी ने ओरियो शेक का आविष्कार कर दिया। मिल्क शेक बनाना शेक तो सुना था, पर ये ओरियो शेक का नाम तेरे मुंह से सुन रही हूँ। गलती से दूध में गिरे बिस्किट के कारण ओरियो उसमें पूरी तरह घुल जाता है, जिसका स्वाद उसे बेहद पसंद आता है, जिसको अरुणिता ओरियो शेक का नाम देती है और दूध खत्म करके कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है, जहाँ उसकी सहेली मिनल बोलती है, क्या बात है तेरे चेहरे पर इतनी चमक धमक, कैसे बड़ी खुश नजर आ रही है। आज ना गलती से मेरे हाथों से बिस्किट पर एक्सपेरिमेंट हो गया और मैंने ओरियो बिस्किट से ओरियो शेक का आविष्कार कर दिया। अरुणिता की बात सुनकर उसकी सहेली मिनल बोलती है, अबे गधी तूने गलती से मिस्टेक करके जिसको ओरियो शेक का नाम दिया था ना, वो ओरियो शेक असल में बनता भी है और लोग उसे पीने के लिए अच्छे खासे नोट भी देते हैं। अच्छा जी सच में ओरियो शेक भी बनता है क्या? एकदम सच। चल आज मैं तुझे सचमुच का ओरियो शेक पिलाती हूँ, चल अपनी आँखों से देख लियो। इतना बोलकर मीनल अरुणिता के साथ एक कैफे में जाती है और ओरियो शेक को ऑर्डर करती है, और जैसे ही अरुणिता उसे पीती है तो मीनल उसे कहती है, अब बोल कैसा लगा असली ओरियो शेक, यकीन हुआ? मीनल तुझे पता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे ओरियो बिस्किट से ओरियो शेक बनाकर पी रही हूँ मैं। यार ये तो बड़ा लाजवाब और क्रीमी है, पर तुझे इस ओरियो शेक के बारे में कैसे पता चला? तुझे तो पता ही है ना कि मुझे मैंगो शेक पीना कितना ज्यादा पसंद था। एक दिन मैं वही पीने आई थी, तभी मैंने मेन्यू में ओरियो शेक का नाम देखा तो बस मजे मजे में पी लिया, और तब से मुझे इस ओरियो शेक के अलावा कुछ भी नहीं भाता। इस तरह दोनों सहेलियां ओरियो शेक का आनंद लेने के बाद कैफे से बाहर आती है। ऐसे ही रात हो जाती है, तभी मीनल के फोन की घंटी बजती है और वो नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है, इतनी रात में कौन चमकदार है, हेलो कौन उल्लू का पट्टा बोल रहा है? उल्लू का पट्टा नहीं पट्टी बोल रही हूँ अरुणिता। तू
अबे गधी, रात को तुझे कौन सी आफत आ गई जो तूने फोन खड़का दिया? यार मुझे नींद नहीं आ रही। अबे तू उल्लू की तरह जाग रही है तो क्या इसका मतलब मेरी भी नींद हराम करेगी? नींद नहीं आ रही तो जाकर चमगादड़ों की टोली के साथ उल्टी लटक जा। मेहरबानी करके मेरी रात काली मत कर। अबे सुन तो, वो मेरा ना अब मेरा के आगे भी तो कुछ बकले। यार मेरा ना फिर से ओरियो शेक पीने का मन कर रहा है, नींद भी नहीं आ रही। हे भगवान, तुझे ओरियो शेक पीना है, वो भी अभी? इतनी रात को कौन सा मुर्दों का कैफे खुला होगा? तू ना अपना ओरियो शेक के चक्कर में ना मेरी रातें ब्लैक मत कर। मैं कौन सा तुझे कैफे चलने के लिए कह रही हूँ? तूने कहा था ना कि तेरी मम्मी को ओरियो शेक बनाना आता है, बस तू मुझे बता दे, बना मैं खुद लूंगी। क्या मुसीबत है। सुन, दूध ले, ओरियो बिस्किट को क्रश करके ग्राइंडर में पीस ले और आगे क्या? ये लो, बोलते बोलते ही लुढ़क गई। इसका आधा अधूरा ज्ञान एक काम करती हूँ, यूट्यूब पर देखकर ही बना लेती हूँ। इतना बोलकर अरुणिता यूट्यूब से ओरियो शेक बनाने की विधि को फॉलो करते हुए ओरियो शेक बनाकर मजे से पीती है और बोलती है, मेरा टम्मी तो दो ग्लास ओरियो शेक पीकर एकदम फुल हो गया है, अब एक ग्लास बच गया है, क्या करूं? अगर एक बूंद भी और ओरियो शेक पिया ना तो मेरा पेट तो फट जाएगा। एक काम करती हूँ, बंटी को दे देती हूँ। अरुणिता हाथों में ओरियो शेक का ग्लास लेकर बंटी के कमरे में आती है और उसे धीरे से जगाते हुए बोलती है, ओए बंटी, ओए उठना, ओए बेरे, लगता है कुंभकर्ण के साथ मीटिंग कर रहा है, तभी इसके कानों में मेरी आवाज का कोई असर ही नहीं हो रहा, एक आखिरी बार कोशिश करती हूँ। अरुणिता उसे लगातार उठाती है, तभी बंटी चिल्लाते हुए कहता है, भूतनी, ये दीदी की भूतनी मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। अबे भूतनी नहीं हूँ कमीने, ये देख पी ले। क्या है ये? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, पी जा और लुढ़क जा। ओरियो शेक पीने की इच्छा को पूरा करने के बाद अरुणिता मजे से गहरी नींद में सो जाती है और अगली सुबह बंटी उससे बोलता है, दीदी कल रात आपने मुझे क्या पिलाया था? क्यों, जब एक सांस में मजे से गटक गया था तब पता नहीं चला कि वो क्या था? आपका क्या भरोसा, उसमें क्या मिलाया हो? ओ हेलो, ज्यादा इंक्वायरी मत कर, कोई जहर नहीं मिलाया था उसमें, ओरियो शेक बनाया था, वो तो मैं अकेले ही पी रही थी, फिर तेरा गंदा सा चेहरा मुझे याद आ गया तो सोचा कि तुझे भी दे दूं, वरना तू ऐवे मुझे गालियां देगा। मैं नींद में था, मुझको आपके ओरियो शेक के टेस्ट का उतना पता नहीं चला, अभी बना कर दिखाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसी बहाने दोबारा पी लूंगी। ओरियो शेक पीने की शौकीन अरुणिता ओरियो शेक बनाना शुरू करती है, तभी उसकी माँ बोलती है, अपने इस ओरियो शेक को बनाने में तूने जो किचन में ये झाल झमेला फैलाया है ना, जितना दूध बिस्किट क्रीम सब कुछ लगाया है, तो कान खोल कर सुन ले, अगर तेरा ये ओरियो शेक अच्छा नहीं बना तो तुझे और तेरे शेक को दोनों को साथ में बाहर फेंकूंगी। माँ ये ओरियो शेक आज आपको अपना दीवाना बनाने वाला है, देख लेना। अरुणिता ओरियो शेक का ग्लास दोनों को देती है और दोनों एक साथ उसे पीते हैं। तभी निमो कहती है, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। दीदी मैं तो कहता हूँ कि तुम ओरियो शेक की दुकान खोल लो, बढ़िया चलेगी, क्योंकि ये नया है, इसका चॉकलेट भरा स्वाद और इसके ऊपर का एक क्रीमी टेस्ट तो एकदम हटके है। इस तरह अरुणिता के साथ साथ अब उसकी माँ और भाई को भी ओरियो शेक पीना भा जाता है। वक्त गुजरता है और ओरियो शेक पीने वाली अरुणिता कभी कॉलेज के कैफे में अपनी सहेली के साथ ओरियो शेक पीती, तो कभी अपने घर में परिवार के साथ ओरियो शेक पीती। ऐसे ही एक दिन दोनों सहेलियां कॉलेज से घर आ रही होती है, तभी मीनल कहती है, अबे कहाँ खोई है, कैफे पीछे छूट गया, आज ओरियो शेक नहीं पीना क्या? नहीं यार, इस कैफे वाले का ओरियो शेक ना बहुत महंगा पड़ता है, जितने में ये एक ग्लास देता है ना इतने में तो मैं चार बना सकती हूँ। ना 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 ना, इसका ओरियो शेक बहुत महंगा है, इससे कम बजट वाला देख तू। हाँ यार वो तो है, कोई नहीं तू मेरे घर चल, आज मैं तुझे अपनी माँ के हाथों का ओरियो शेक पिलाती हूँ। इतना कहकर मीनल उसे अपने घर ले आती है, जहाँ उसकी माँ कसूती कहती है, आजा बोल छोरी, खिलाऊं ठंडा के गरम। जी आंटी जी, आप बस अपने हाथों का ओरियो शेक बनाकर दे दीजिए। ये ले, तने भी मारी छोरी के जैसे यो ही पसंद से, आज काल की छोरियों की ओरियो शेक ख्वाहिशें बढ़ती ही जा रही है, मेरा नया सभी केस वाद आवे है इन्हें पीके।
आंटी जी, इस ओरियो शेक के स्वाद के पीछे न जाने कितने लोग खाना पीना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम दोनों सहेलियाँ ओरियो शेक के साथ साथ घर का बना खाना भी खाती हैं। ये तो बस हमारे स्वाद और मजे के लिए जरूरी है। जे बात तो एकदम चोखी कही तने छोरी, कम से कम तुम दोनों इस ओरियो शेक के पीछे बाकी छोरियों की तरफ बावली होकर ना डोलो हो। जे सब पीना कभी कभी अच्छा लागे से, ना कि हरदम। ओरियो शेक की शौकीन अरुणिता ओरियो शेक पीने के साथ साथ अपने घरेलू खान पान पर भी काफी अच्छे से नियंत्रण बनाए रखती है, जिसके कारण उसे किसी भी तरह की शारीरिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। हैरी नाम का एक पुलिस अधिकारी एक लड़की को कुछ पैसे दे रहा था, जिस पर वो लड़की उससे बोलती है, ग्रीटी को बस अपने ड्रेस की जरूरत है, इन पैसों की नहीं। पर ग्रीटी, ये तुम्हारी खुद की मेहनत के पैसे हैं जो तुमने इन कुछ महीनों में जेल में रहकर कमाए हैं। साहब, मैं एक जोकर हूँ और जोकर का तो काम ही है लोगों को हंसाना और उनमें खुशियाँ बांटना। आप ये पैसे गरीबों में बांट देना, आपको दुआ और उनको खुशी मिलेगी। इतना बोलकर ग्रीटी अपनी जोकर की ड्रेस लेकर वॉशरूम में जाकर उसे चेंज कर लेती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी हैरी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसकी बीती जिंदगी के लम्हों के बारे में उससे पूछने लगता है। ऐसे में ग्रीटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी गुजरी यादों के बारे में सोचने लगती है, साथ ही अपने होठों पर झूठी मुस्कान लेकर बोलती है, मेरी जिंदगी के बीते कुछ लम्हे यूं ही इस झूठी मुस्कान की तरह है। मैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए कभी मॉल तो कभी बड़े बड़े घरों की पार्टियों में जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं एक मॉल में गई और वहाँ के गार्ड ने मुझे रोका तो मैंने उससे बोला, तू आज फिर आ गई सबको परेशान करने के लिए, तुझे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर मत आया कर, फिर क्यों आती है बता। आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, टेंशन वेंशन छोड़ दे भैया, हो जा फुल्ली फालतू। ये बोलकर ग्रीटी अपने बैग से केक निकालकर उस गार्ड के मुंह पर मार देती है और सीधा मॉल के अंदर भाग जाती है। गार्ड से बचने के लिए वो एस्केलेटर पर चढ़कर चली जाती है, वहीं गार्ड भी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हुए एस्केलेटर पर चढ़ जाता है। तभी ग्रीटी उसी एस्केलेटर से नीचे उतर जाती है। जैसे ही गार्ड उसे पकड़ने के लिए नीचे आता है तो वो वापस ऊपर चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर तक वो उस गार्ड को बहुत परेशान करती है और आखिर में जाकर वो गार्ड थक कर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी ग्रीटी उसके मॉल में एक ही गुब्बारा लेकर उसके कानों के पास जाकर फोड़ देती है और जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगती है। उसकी ये जोकरपंती देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दूर खड़ा हुआ 60 वर्ष का आनंद नाम का एक व्यक्ति उसे ये सब करते हुए देख लेता है। तभी गार्ड फिर से उठ खड़ा होता है और उसके पीछे भागने लगता है और ग्रीटी के सामने आकर उसे रोकने के लिए खड़ा हो जाता है कि तभी आनंद उनके पास आता है और अपने हाथों से इशारा करके गार्ड को जाने के लिए कह देता है। गार्ड भी उसका इशारा मानकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद आनंद ग्रीटी को साइड में ले जाकर उससे कहता है, मैं इस मॉल का मालिक हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे लिए काम करो, करना पसंद करोगी। साहब, मैं तो एक जोकर हूँ, मेरा तो काम ही है रोते हुए लोगों को हंसाना, तो मैं आपके इस मॉल में कैसे काम कर सकती हूँ, मैं तो बस अपनी जोकरपंती से सबको हंसा सकती हूँ। यही तो तुम्हारी कला है कि तुम रोते चेहरे को भी हंसा सकती हो, किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि अब इस तरह से तुम मॉल में ना आओ, अब तुम शान से मॉल में आकर सबका मनोरंजन करना और कभी कभी पार्टी वगैरह में भी अपनी एक्टिंग करके दिखाना। इस तरह आनंद सर ने मुझे अपने मॉल में काम पर रख लिया। सर बहुत अच्छे थे, पर वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के दुश्मन भी होते हैं, और ऐसे ही एक रोज उनकी 35वीं शादी की सालगिरह पर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया लोगों का मनोरंजन करने के लिए। पार्टी में मास्क थीम था, मैं हर बार की तरह उस पार्टी में गई और अपने जोकर पंती से सबको हंसाना शुरू कर दिया। ग्रीटी उस पार्टी में एक लेडी के पास जाती है, वो कभी उस लेडी को गुदगुदी करती है तो कभी उसकी नाक खींचती है और इस तरह से उसे बहुत परेशान करती है। कभी वो अपने चुटकुले सुना सुनाकर लोगों को हंसाती है और सभी को बहुत एंजॉय करवाती है।
ऐसा करते करते वो एक आदमी के पास पहुंच जाती है। तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है और वो उस आदमी की बात सुनती है जो फोन पर किसी से धीरे से बात कर रहा होता है और बोलता है, मेरे हाथों में सेठ की तिजोरी की चाबी आ गई है। अब बस कुछ ही दिनों में ये सेठ करोड़पति से रोडपति बन जाएगा और हम रोडपति से करोड़पति। उस आदमी की ये बात सुनते ही ग्रिटी जल्दी से अपने मालिक आनंद को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन आनंद उसे नहीं मिलता। और जब उसको आनंद नहीं मिलता तो वो खुद ही अपने मालिक की जमा पूंजी को बचाने के लिए लॉकर के पास चली जाती है, तो देखती है कि वो आदमी अपना चेहरा छुपाकर पहले ही लॉकर खोल चुका है। तभी ग्रिटी उसकी असलियत सभी के सामने लाने के लिए उसे पकड़ती है, लेकिन वो आदमी उसे धक्का देकर खिड़की से भाग जाता है। और जब ग्रिटी उस लॉकर को बंद कर रही होती है तभी सर की आवाज सुनकर आनंद और बाकी कुछ लोग भी वहां आ जाते हैं, साथ ही घर की लाइट भी आ जाती है। इतना ही नहीं, जमीन पर नोटों की गड्डियां भी गिरी हुई होती है और ग्रिटी के हाथ में लॉकर की चाबी भी होती है। उसे इस तरह देखकर सबको यही लगता है कि वो अंधेरा का फायदा उठाकर यहां पर चोरी करने आई थी। ये सब देखकर आनंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो ग्रिटी से कहता है, तुम तो ईमानदार लड़की थी ना, जो लोगों में बस खुशियां बांटना चाहती थी, तो आज से तुम में ये बेईमानी कहां से आ गई? अरे अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझसे बोल देती ना, तुम्हें अपने मालिक पर जरा भी विश्वास नहीं था। साहब एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बस बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम हमेशा सबको हंसाती हो अपनी जोकरपंती से, पर आज तुमने मुझे रुला दिया, मेरा यकीन तोड़ दिया। बहुत अच्छा तोहफा दिया है तुमने मेरे यकीन का। बस फिर क्या था, वहाँ खड़े किसी भी इंसान ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और ना ही मुझे कुछ कहने का मौका दिया। बस पुलिस को फोन किया और चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे 5 साल के लिए सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। तो अब तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी? मैं क्या करूँगी, मैं फिर से अपनी जोकरपंती शुरू कर दूंगी और लोगों में खुशियाँ बांटूंगी, क्योंकि जोकर का तो काम ही है रोते हुए लोगों को हंसाना और उनमें खुशियाँ बांटना। अच्छा, तुम नहीं चाहती कि जिसने ये सब किया है उसको सजा मिले? जी नहीं। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है और वो तुरंत उस आवाज को सुनते ही उसे पहचान लेती है और एक बार फिर से जेल के दरवाजे से ही घूमकर दोबारा हैरी के पास जाती है और उससे बोलती है, साहब मेरे गुनहगार यहीं पर है, मैंने उसको कभी देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने उसकी आवाज अभी सुनी है, मैं उसे पहचान सकती हूँ उसकी आवाज से। ग्रिटी की ये बात सुनते ही हैरी जल्दी से कुछ हवलदारों को बुलाकर दरवाजे पर खड़े सभी गार्ड्स को और वहाँ के आसपास के खड़े सभी आदमियों को अंदर बुला लेता है। साथ ही ग्रिटी की आंखों पर पट्टी बांधकर एक एक आदमी को बोलने के लिए कहता है। जैसे ही ग्रिटी एक आदमी के पास जाती तो वो इंसान बोलना शुरू कर देता, साथ ही ग्रिटी उसकी आवाज पहचानने की कोशिश करती, जिसमें से एक गार्ड की आवाज को वो पहचान लेती है और हैरी से बोलती है, यही है वो इंसान, यही है जिसकी वजह से मैं 5 साल सलाखों के पीछे रह कर आई हूँ। वो शख्स उसकी बात सुनते ही ग्रिटी को पहचान लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी उसे पकड़ लेता है। और जब ग्रिटी अपनी आंखों पर से पट्टी हटाती है तो वो देखती है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आनंद के मॉल का वही गार्ड है जो कि ग्रिटी को मॉल के अंदर जाने से रोका करता था। उसे देखते ही ग्रिटी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, आनंद जी कितने अच्छे हैं, उन्होंने तो हमेशा सबका भला चाहा था। हैरी उस गार्ड को पकड़कर जेल में डाल देता है, जिसके बाद ग्रिटी के ऊपर लगाए गए सभी इल्जाम हट जाते हैं। इन सब के बाद जब आनंद को पूरा सच पता चलता है तो वो ग्रिटी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ग्रिटी भी बिना किसी शिकायत के अपने मालिक को माफ कर देती है और एक बार फिर उनके साथ में मिलकर जोकर बनकर लोगों को खुशियां बांटना शुरू कर देती है। कुछ ही समय के बाद आनंद एक बहुत ही अच्छा सा लड़का देखकर ग्रिटी की शादी करवा देते हैं और खुशी खुशी उसे अपने घर से विदा करते हैं। अरे यार
तुम सब कब आओगे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यार 5 मिनट और रुक ले, मैं जैस्मिन के साथ पहुँच जाऊंगी वहीं पर। पागल पागल हो गई हो क्या दोनों? यार कितने लड़के खड़े हैं यहाँ पर, मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। तुम आ रही हो या मैं घर वापस जाऊँ? अरे यार धीरज रख, आ रहे हैं हम बस। कौन सा धीरज, किसका धीरज? यार तुम तो बड़ी चालू हो, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया और मुझे बताया भी नहीं। अबे गधी, पेशेंस, सब्र करने को कह रही थी मैं। ये ले आ गई कॉल कार्ड, सामने देख मुझे। रोशनी सामने देखती है कि उसके आगे एक कार खड़ी है जिसमें उसकी दोनों फ्रेंड्स जैस्मिन और श्रेया हैं, और वो उसी कार में बिठा लेती हैं। यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू कार लेकर आ रही है? हमने सोचा कार से ही चलते हैं तीनों घूमने, और फिर मजे करेंगे पूरे दिन और जल्दी भी आ जाएंगे। हाँ हम घूमेंगे फिरेंगे और फिर अपने फेवरेट चिली पटेटो खाएंगे। ओहो बेटा, वो हमारी नहीं तेरी फेवरेट चीज है, चिली पटेटो। हाँ हाँ तुम दोनों को तो पता ही है ना कि मुझे चिली पटेटो कितने पसंद है। हाँ पता है, और इसीलिए तेरे लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। और बात करते करते तीनों एक मॉल में पहुंच जाते हैं और वहां खूब सारी शॉपिंग करते हैं, साथ ही मूवी भी देखते हैं। और कुछ ही देर के बाद तीनों खाना खाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाती हैं, जहां वेटर के आते ही रोशनी फटाक से बोलती है, वेटर मेरे लिए सेजवान चिली पटाटो, एक हनी चिली पटाटो, गार्लिक चिली पटाटो जल्दी से लेकर आओ। ये सब हम मिलकर खाएंगे? नो नेवर, कभी नहीं। अपना अपना खाओ, अपना अलग ऑर्डर करो तुम। वेटर आप एक मंचूरियन और 2 लार्ज पिज्जा ले आओ, और हाँ एक मार्गरेटा और एक कैप्सिकम पिज्जा। कुछ ही देर के बाद वेटर सबके ऑर्डर्स ले आता है और रोशनी अपने चिली पटेटो खाने लगती है और खाने के बाद डकार मार देती है। इसके बाद तीनों क्लब में जाकर ढेर सारे मजे करती हैं और देर रात को अपने अपने घर लौटती हैं। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन रोशनी शॉपिंग करके वापस घर आ रही होती है कि तभी वो अपने बॉयफ्रेंड दीपक को कॉल करती है और उससे बोलती है, दीपक तुम कब आ रहे हो? मैं दीपक नहीं हूँ, उसका फ्रेंड रघु हूँ, और जल्दी आ जाओ, दीपक का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी उसके घर आ जाओ। क्या, मैं अभी पहुँचती हूँ। रोशनी जल्दी से दीपक के घर पहुँचती है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। वो डरती हुई थोड़ा आगे बढ़ती है कि तभी एकदम से लाइट ऑन हो जाती है और जोर से पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट होते हैं। ऐसे में रोशनी देखती है कि पूरा घर लाइटिंग और डेकोरेशन से सजा हुआ है और दीपक हाथों में गिफ्ट लेकर सामने चलकर आते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा मेरा सरप्राइज रोशनी बेबी? तुम पागल हो क्या? कितना डर गई थी मैं, तुम्हें लेकर भागते भागते आई हूँ मैं। सॉरी जान, बट तुम्हें सरप्राइज भी तो देना था, आज तुम्हारा बर्थडे जो है, भूल गई ना इस बार भी पिछली बार की तरह? हाँ दीपक, और हमेशा की तरह एक बार फिर मैं अपना बर्थडे भूल गई। जल्दी केक काटना, भूख लग रही है। तुम्हें तो मैं बताऊंगी, इनके साथ रह रहकर तुम भी बिगड़ गए हो। इतना कहकर रोशनी केक कट करती है और वो दोनों को खिलाती है, जिसके बाद रघु घर चला जाता है और रोशनी अपने बॉयफ्रेंड दीपक से बोलती है, अच्छा मेरा गिफ्ट तो? हाँ हाँ देता हूँ देता हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए चिली पटाटो जरूर लेकर आओगे। चलो अब जल्दी से मुझे अपने हाथों से खिला दो। ये लो खाओ और ठूसो, मुझे पता था तुम्हारे बर्थडे पर अगर ये नहीं लाया तो तुम्हारा मूड अपसेट ही हो जाना है। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम दिल्ली वापस कब आए और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ओफो आज ही आया हूँ और मम्मी सत्संग में गई है। थैंक यू सो मच दीपक, अपनी रोशनी का बर्थडे इतना रोशन करने के लिए। अच्छा ये बताओ कि शादी कब कर रहे हो, या फिर मैं दूसरा हस्बैंड ढूंढ लूं? अरे नहीं मेरी जान, मैं आज पक्का कर लूंगा बात मम्मी से। इतना बोलकर रोशनी अपने घर वापस आती है। वक्त बीतता जाता है। दीपक भी अपने विधवा माँ रितु से रोशनी के बारे में सब बता देता है, जिसके बाद वो दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन दोनों के परिवार वाले आपस में मिलते हैं और अगले ही हफ्ते दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करवा देते हैं, जिसके बाद रोशनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही शादी के 2 दिन बाद ऋतु अपनी बहू से कहती है, बहू
तूने अखबार वाले से बात कर ली? उसका हिसाब तो कर दिया ना तूने? हाँ माँ जी, मैंने सारा हिसाब अच्छे से कर दिया है। माँ जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपने हाथों से कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाना चाहती हूँ। हाँ बता क्या बनाएगी। अरे पूछने वाली क्या बात है, तू बनाकर ही ले आ। हाँ माँ जी ठीक है, मैं बनाकर लाती हूँ। आप एक बार खाएंगी ना तो खाने के साथ साथ उंगलियाँ भी चाट जाएंगी। इतना कहकर रोशनी आलू काटती है और फिर सॉस रेडी करती है और जल्दी से कढ़ाई में तेल गरम करके आलू तल लेती है। इसके बाद वो सॉस डालकर उनको अच्छे से मिलाकर गर्मा गर्म चिली पटेटो बनाती है और मन में बोलती है, हाय मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इसे देखकर। अभी खा लूं मन तो कर रहा है सारा, लेकिन पहले माँ जी को तो खिला दूं। वो चिली पटेटो को एक बाउल में डालकर अपनी सास के सामने ले जाकर रख देती है और बोलती है, ये लीजिए माँ जी गर्मा गर्म चिली पटेटो, खाइए और बताइए। अरे खाने तो दे बहू, बहुत गर्म है अभी। अरे वाह क्या टेस्टी है बहू, ला और दे दे। जी माँ जी खाइए ना। अरे बहू इसमें क्या क्या है वैसे, जरा मुझे भी तो बता दे। माँ जी इसमें मैंने आलू के साथ 2-3 सब्जियाँ और 2-4 सॉसेस मिलाई है और कढ़ाई में तल के इन्हें एकदम करारा कर दिया है, तभी तो ये इतने यमी यमी बने हैं। अच्छा तो आलू से बनता है, वैसे पकोड़े की तरह है ना? हाँ माँ जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। समय गुजरता जाता है, सास बहू के चस्के की वजह से दीपक को भी अब रोज रोज चिली पटेटो ही खाने पड़ते थे। इन सब से परेशान होकर वो दोनों से बोलता है, रोशनी माँ क्या हो गया है आप दोनों को? माँ रोशनी कम थी क्या जो आपने भी चिली पटेटो खाने शुरू कर दिए? मैं पक चुका हूँ लंच और डिनर में चिली पटेटो खा खा कर। आप दोनों को अपनी हेल्थ की चिंता नहीं है, पर मुझे आप दोनों की है और अपनी भी। अरे बेटा ये तो आलू है, इससे क्या नुकसान होगा भला? हाँ दीपक इसे खाने में प्रॉब्लम ही क्या है? क्या बात करनी है रोशनी तुम्हें, तुम तो वैसे भी दीवानी हो इस खाने की। डॉक्टर से पूछो एक चीज, ज्यादा खाने से कितनी दिक्कत हो सकती है, और चिली पोटैटो इतने मिर्च मसाले वाले होते हैं, नुकसान करेंगे आगे जाकर। मत खाओ आप दोनों, दोनों की फिक्र है इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, इतना नहीं खाएंगे अब। खुश और बहू तू इसे नॉर्मली खाना बनाकर दियो सारा टाइम। इतना कहने सुनने के बावजूद भी उन दोनों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और दोनों दीपक को बिना बताए बाहर जाकर चिली पटेटो खाने लगती है। ऐसे ही एक रात रितु को बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस होती है और वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ ही मिनटों के बाद दीपक पानी पीने के लिए जाता ही है कि उसकी नज़र अपनी बेहोश माँ पर पड़ती है। वो जल्दी से रोशनी को आवाज देता है और फिर दोनों मिलकर रितु को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और काफी सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर दीपक आपकी मदर ने कोई हाई क्वांटिटी में बाहर की चीज खाई है, शायद आलू ही हो, इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर सडनली हाई हो गया है और टेस्ट में पता चला है कि उन्हें डायबिटीज की शिकायत भी है। कुछ ही देर के बाद दीपक अपनी माँ को घर ले आता है और दीपक डॉक्टर की बात सुनकर अपनी माँ और बीवी दोनों को ही समझाता है कि चिली पटेटो खाने के नुकसान क्या है और इसके बाद वो दोनों सास बहू चिली पटेटो खाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। भले ही वो कभी कभी उसे खा लेती है, लेकिन जो उनकी लत थी वो हमेशा के लिए छूट जाती है और इस तरह उनका पूरा परिवार एक बार फिर से हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।